एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मैं आज आपको अपना हॉस्टल दिखाऊंगी। सो ये मेरा हॉस्टल है, मेरा रूम है। सो हम लोगों ने पूरा फैला कर रखा है अपने रूम को। मैं सुबह से बहुत पढ़ रही थी, अभी दोपहर के 2 बजे हैं, तो पढ़ते पढ़ते बोर्ड लग गया, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना लेती हूँ अपने हॉस्टल की। आज कॉलेज छुट्टी था मेरा, क्योंकि क्लास अभी हो नहीं रही एग्जाम के बाद, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लूँ। सो गाइस, ये हमारा रूम है और हम लोग इस रूम में 3 लड़की रहते हैं, तो इतना सारा फैला हुआ है क्योंकि लड़कियों के कपड़े ही ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कपड़े ही ज्यादा लड़कियां लाती है, कुछ रहे ना रहे कपड़े तो होने ही चाहिए। ये हमारा रूम का पीछे का, यहाँ पे मिरर लगे हुए हैं, कहीं जाना रहता है तो हम लोग फुल बॉडी यहाँ पे खुद को देख लेते हैं अंदर पे रेडी होकर के, और इधर भी मिरर लगा हुआ है। और मैं अभी छत दिखाती हूँ, ये रहा गली, छत को जाते हैं, ये हमारा सीढ़ी है, ऊपर में भी कुछ लड़कियां रहती है रूम पे। ये रहा रूम और उनका ये किचन है। सो ये रहा छत हमारा, यहाँ पर कुछ कपड़े घाटे हुए हैं, हम लोग भी छत आते हैं कपड़े पसारने को। और ये बगल वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, ये भी गर्ल्स हॉस्टल है, और नीचे कुछ रेंटर लोग रहते हैं, वो लोग दूसरों कोई का है। और हमारे छत के नीचे बहुत सारे पेड़ है, सो इधर हरा भरा रहता है, गर्मी का दिन में इधर मजा आता है छत में बैठने में। सो जो छत पे रहती है उन लड़कियों का इधर वॉशरूम है, इधर पे नल लगे हुए हैं। ये पीछे का है नारियल पेड़ हमारा, नारियल पीस में नारियल भी उगे हुए हैं। गाइस, ये हमारा छत है और छत में कपड़े घाटे हुए हैं, हम लोग भी छत पे कपड़े घाटने को आते हैं। और छत से नीचे कैसा दिखता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। नीचे कुछ ऐसा दिखता है, नीचे कुआं भी है, और वो जो गाड़ी दिख रही है वो हमारी मकान मालकिन का गाड़ी है। और नीचे भी हम लोग कपड़े पसारते हैं, छत में भी पसारते हैं और नीचे में भी। और जो ये बिल्डिंग, ये छोटा सा करके छूत का जो दिख रहा है रूम, उसमें भी लड़कियां लोग रहती है। सो गाइस, ये हमारा क्रिसमस का चरनी लगा हुआ है, जो 25 तारीख को लगाई है आंटी ने और अब तक है। सो ये हमारा मेन गेट है और यहाँ पे फैमिली लोग भी रहते हैं और इधर भी गर्ल्स रहती है। ये हमारा नीचे का है और ये हमारा ये गैरेज है जिसको स्कूटी वगैरह रखनी हो तो। और ये बाइक हमारे ओनर का बेटे का है। और इधर मेन गेट है। और मैंने हॉस्टल तो दिखा दिया, तो गाइस कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।